और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक है हमारा रेफरेंस मेन्यू में फुट नोट्स टॉपिक, एंड नोट्स टॉपिक, एंड नोट भी बोलते हैं इसको, कैप्शन टॉपिक, क्रॉस रेफरेंस टॉपिक और मेल मर्ज टॉपिक, जो अलग से ऑप्शन है मेलिंग का, उसमें ये टॉपिक आएगा आपका। ये सिखाएंगे, ये टॉपिक कराएंगे। तो ये टॉपिक है आपके आज, हमने वर्ड ओपन कर लिया, नया पेज ले लिया, स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है, हम पहले आते हैं रेफरेंस मेन्यू में। रेफरेंस मेन्यू में ये तो हमने पहले ही करा दिया आपको, टेबल बनाना, टेबल की हेडिंग बनाना, ये हमने आपको पहले टेबल में करा दिया था। ये टॉपिक पूरा टेबल का, टेबल टेक्स्ट, ये टॉपिक हमने पूरा करा दिया था आपको, अपडेट टेबल, ये चीजें हम पहले करा चुके हैं आपको। आज जो है आपका एक टॉपिक है फुट नोट्स, एक एंड नोट्स। फुट नोट्स बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे नोट्स लिखने के लिए फुट नोट्स का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है ओल्ट कंट्रोल प्लस एफ, आप दबाइए ओल्ट कंट्रोल एफ दबाइए, स्क्रीन पे आपका फुट नोट्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको। फुट नोट्स पे गए, अगर हमें कोई नंबरिंग लेना है तो आप यहां से नंबर ले लीजिए, पेज के नीचे टाइप करना है, एनी कोई सिंबल लीजिए यहाँ से, कुछ भी आपकी मर्जी है कैंसिल कर दीजिए, या आप टाइप करना चाहते हैं कुछ वर्ड। जैसे हम फुट नोट्स करेंगे, जो ये पेज है हमारा इसके नीचे नोट्स लिखा हुआ आएगा, जैसे मैंने लिख दिया RCIT हरियाणा, RCIT लिखने के बाद आप इंसर्ट कर दें, अप्लाई करने से भी आ जाता है कई बार, आप इंसर्ट करें, इंसर्ट करने से आपका स्क्रीन पे दिखाई देगा, पेज के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ आएगा RCIT, ये है इसको बोलते हैं फुट नोट्स। एक जहां पर हमारा कर्सर था ये वहां पर भी आया हुआ मिलेगा आपको, जैसे हम पता करना है तो आप यहाँ कर्सर रखिए, आपको आपका फुट नोट्स दिखाई देगा, RCIT हमने फुट नोट्स डाला है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, इसी के अंदर यहाँ आप क्लिक कर दीजिए, शो फुट नोट्स पे जाइए, आपको फुट नोट्स पे क्लिक कर देगा, आप यहाँ आ जाइए नीचे नीचे, यहाँ दोनों फंक्शन आपको दिखाई देंगे, फुट नोट्स एंड नोट्स। क्या है, मैंने पेज ब्रेक लगा दिया, कई पेज ले लिए, अगला भी ले लिया, नेक्स्ट भी ले लिया, इसके बाद एंड नोट्स है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंडिंग में नोट्स लिखने के लिए एंड नोट्स का यूज किया जाता है। तो आप कैसे करें, हम कर्सर फर्स्ट पेज पे ले गए, आप ऊपर ले जाइए पहले पेज पे, क्लिक करते जाइए, ये हमारा पहले पेज पे कर्सर आ चुका है, हमने यहाँ कर्सर रखा, ये टॉपिक है फुट नोट्स, ये नीचे वाला एंड नोट्स। एक बार डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है अंतर, कि दोनों में क्या अंतर है, तो फुट नोट्स होता है बॉटम ऑफ पेज, एंड नोट्स होता है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ आप क्लिक कर दीजिए एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे, वही तरीका, कोई वैल्यू लेनी है, कोई सिंबल लेना है, आप यहाँ कोई मैटर लिख लीजिए, जो आपको मैटर लेके आना है, हमने यहाँ लिख दिया हरियाणा, आप इंसर्ट कर दीजिए। जैसे आप इंसर्ट करेंगे, ये आपके पेज डॉक्यूमेंट के एंडिंग पेज पे आपको ये शो हो जाएगा, ये है आपका एंडिंग पेज, आखिरी पेज है डॉक्यूमेंट का, यहाँ आपको एंड नोट्स दिखा रहे हैं। अब हम दोनों को अलग अलग चेक करना है, देखना है तो शो नोट्स पे जाइए, एंडिंग एंड नोट्स देखना है, व्यू एंड नोट्स एरिया क्लिक कर दीजिए, ये आपका एंड नोट्स है, दोबारा आप क्लिक कीजिए, फुट नोट्स पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये आपका फुट नोट्स। तो ये था आपका फुट नोट्स एंड नोट्स। ऐसे हम अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं शॉर्टकट की से, हमें लास्ट पेज पे जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाइए, आपका पेज आखिरी में पहुंच जाएगा कर्सर। अगर हमें फर्स्ट पेज पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाइए, ऊपर वाला बटन, पेज अप लिखा मिलेगा आपको,
फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो उसके बाद हमने ये टॉपिक करने के बाद हमने क्या किया, नया पेज ले लिया। अगली कमांड है आपकी कैप्शन, जो भी कराएंगे। ये जो है ये ग्राफिक्स का टॉपिक है, हेडिंग वगैरह बनाना, बायोलॉजी ग्राफिक कुछ भी लेना हो आपको, स्टाइल लेनी हो, ये सभी स्टाइलें हैं, तो आप यहाँ जाइए, ये सारी स्टाइलें हैं। आप जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करते जाइए, ये आपकी स्टाइल आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो ये जो है ये है आपकी बायोलॉजी की स्टाइल, तो अभी हमने आपको बताया। उसके बाद जो है आप देख लीजिए, अगली जो कमांड है वो है कैप्शन। किसी भी लेबल का नाम ऐड करने के लिए, अदर पिक्चर का नाम ऐड करने के लिए कैप्शन का यूज किया जाता है। तो आप क्या करें, मैटर लिखें, कैप्शन पे जाएं, पहले कोई फोटो ले लें स्क्रीन पे, इंसर्ट मेन्यू में से कोई फोटो ले ली, यहां से कोई फोटो ले लें आप, इंसर्ट करें, फोटो का साइज छोटा कर लें। अब इस पिक्चर का नाम हमें लेबल में देंगे, ये लेबल क्या है, रेफरेंस में आ जाइए, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ लेबल न्यू लेबल पे जाइए, न्यू लेबल का नाम डालिए, डिलीट लेबल, लेबल को हटाने के लिए नंबरिंग लेबल भी आप ले सकते हैं। हमने न्यू लेबल पे क्लिक कर दिया, यहाँ लेबल का नाम डाल दिया, जैसे हमने डाल दिया यहाँ RCIT हरियाणा, ओके करते हैं। लेबल का नाम डालने के बाद ओके, जो देखो लिखा हुआ आ गया RCIT हरियाणा। ऐसे हम हेडिंग वन भी बना सकते हैं। फर्दर दूसरे पेज में ले जाइए, पेज ब्रेक दबा दीजिए, कंट्रोल के साथ एंटर मार लीजिए। अब हम चाहते हैं हमारा उस लेबल के साथ लिंक हो जाए जो हमने डाली है। ये इंसर्ट टेबल हमने पहले कराई हुई आपको, आप यहाँ आ जाइए, क्रॉस रेफरेंस, किसी भी लेबल किसी भी हेडिंग के साथ लिंक करने के लिए क्रॉस रेफरेंस का यूज किया जाता है। ये जो क्रॉस रेफरेंस है हमने इस मेन्यू में आपका छोड़ दिया था, यहाँ ये रहा इंसर्ट मेन्यू में, हमने कहा था ये आगे आएगा, आपको वहाँ सिखाएंगे, तो अब ये आ चुका है, अब आपको हम सिखा रहे हैं। तो क्रॉस रेफरेंस पे जाइए, उस लेबल का नाम सेलेक्ट कर लीजिए जिस लेबल का नाम आपने डाला था। तो यहाँ देखिए क्या लेवल है, वो नीचे आइए, तो टेबल जो है हमारी जो लेवल है वो है RCIT हरियाणा, आप इसको सेलेक्ट करें और ओके कर दें या इंसर्ट कर दें। जैसे आप इंसर्ट करेंगे दूसरे पेज पे मैसेज मैटर लिखा हुआ जाएगा RCIT हरियाणा। आप इस पे कर्जर रखिए, जैसे आप कर्जर रखेंगे आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए, ये उस लेवल को शो कर देगा जिसका नाम हमने RCIT हरियाणा दिया है, उस फोटो को शो कर देगा, आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारी फोटो, ये है हमारा मैटर। तो ये था आपका क्रॉस रेफरेंस। मार्क एज फाइनल जो है, मार्क एज एंट्री हमने आपको मार्क एज फाइनल में टॉपिक में सिर्फ आपको मार्क एज फाइनल यहाँ करवाया था, प्रीपेयर ऑप्शन के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मेलिंग। मेलिंग जो हम आपको इंटरनेट पे सिखाएंगे, ईमेल आईडी बनाना, मेल करना, लेकिन इसमें जो क्लिक एक टॉपिक है मेल मर्ज, लेवल हमने आपको पहले करा दिया। तो क्या है मेल मर्ज में लिखा हुआ है, मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप, आपको मेल मर्ज विजार्ड करना है स्टेप बाय स्टेप। एक ईमेल को अलग अलग जगह भेजने के लिए और मर्ज करने के लिए उसका डाटा मेल मर्ज विजार्ड का यूज किया जाता है। तो आप कैसे करें, ईमेल आईडी आपको बनाना सिखाएंगे उसमें सिखाएंगे, लेकिन आप पहले आज स्टेप कर लीजिए इस फंक्शन में, या तो स्टेप आप डायरेक्ट कर लीजिए या इन एक एक फोल्डर के अंदर आप जाके एक स्टेप के अंदर जाके यहाँ से कर लीजिए, सेम फंक्शन है, तो हम यहाँ से ही कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, यहाँ क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे, ऊपर आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर यूज द करंट डॉक्यूमेंट, जो करंट डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे हैं इस पे, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स पे आप क्लिक करें,
टाइप ए न्यू लिस्ट सेलेक्ट करें, ब्राउजर पे आपको फाइल अटैच करना सिखाएंगे। टाइप ए न्यू लिस्ट, उसके बाद क्रिएट करें जो जो हम मेल आईडी हम डाटा जो अटैच करेंगे, या आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। आप पूरा डाटा भर सकते हैं, जिसकी मेल आईडी है, टाइटल, किस टाइप की फाइल वो भेजना चाहता है, टाइप का वो किस फाइल वो भेजना चाहता है, अगले का नाम क्या है, रोहित नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, आप ऐसे डालते जाइए। एड्रेस डाल दीजिए, हमने डाल दिया पीछे करके यहाँ RCIT हरियाणा, यहाँ हमने ये एड्रेस टाइप कर दिया। सिटी डाल दीजिए यानी कोई भी, भिवानी। स्टेट डाल दिया, ये उस ईमेल आईडी वाला एड्रेस है जिस बंदे की आईडी है। जिप कोड, कंट्री कोड, कंट्री नेम डाल दीजिए इंडिया, यानी कोई भी आप डाल लीजिए। होम फोन, घर का फोन, ऑफिस, वर्क फोन, ऑफिस का फोन आप नंबर डाल दीजिए, लैंडलाइन या जो भी मोबाइल नंबर है वो। ईमेल एड्रेस जरूर डालना है, ईमेल आईडी, तो मैंने यहाँ ईमेल आईडी वैसे डाल दी। जैसे यहाँ ईमेल आईडी डाल दी, नरेश आप स्मॉल लेटर में आपको डालनी है, नरेश 456@gmail.com। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, 456@gmail.com। आप यहां डालिए, ऐसे अगर आपको और डालनी है तो न्यू एंट्री करते जाएं। मैं अब नाम नहीं डाल रहा हूं, खाली ईमेल आईडी डाल रहा हूं उसके अंदर। एक एक आप डाटा डाला चाहते डाटा डाल दीजिए। देखिए हमने यहाँ डाटा डाल दिया, हमने यहाँ लिख दिया हैप्पी न्यू ईयर की जो फाइल है, संदीप नाम की फाइल है। वर्ड चाहे आप कैपिटल में डालिए, चाहे स्मॉल लेटर में, ऐसे आप डालते जाइए। ईमेल आईडी जरूर डालनी है आपको। ऐसे gmail.com ओके कर दीजिए, सेव कर लीजिए फाइल को। ये दिखाएगा दो फाइलों का डाटा है, तो TR लिखा हुआ है, ये डाटा सोर्स है, MDB इसकी फुल फॉर्म है, रोहित और संदीप नाम की फाइलें हैं, इनकी ये ईमेल आईडी है दोनों की। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप टाइप राइट यूअर लेटर, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, सिलेक्ट रिसिपियंट, एडिट रिसिपियंट्स, आप यहाँ जैसे जाएंगे राइट यूअर लेटर, ये तीन फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहे हैं वही इधर है, हाईलाइट्स, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग का लाइन और इंसर्ट फील्ड वाला मोर फंक्शन भी आप इसके अंदर देखिए। तो हमने क्या किया, एड्रेस ब्लॉक पे आप जाइए, यहाँ क्लिक कर दीजिए, यानी किसी का एक एड्रेस उठाइए, ये वैसे ही एड्रेस डाला हुआ, किसी का लिंक कर लिया, आगे लिंक करेंगे तो फाइल के अटैच करेंगे। ओके कीजिए। एड्रेस ब्लॉक आने के बाद आप नीचे नीचे जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है व्यू मर्ज डाटा, आप इस पर टच कर दीजिए, जो आपने डाटा डाला है वो इसके अंदर शो हो जाएगा। जो फाइल है ऑफिस फाइल रोहित RCIT हरियाणा, टाइप भिवानी हरियाणा इंडिया, ये इसका टॉपिक है, मैटर है, और वो ईमेल आईडी जो है वो डल सकती है, डायरेक्ट हम मेल सेंड कर सकते हैं डाटा भी, और वैसे भी फाइल अटैच करने के बाद भी। तो ये है जो आपका ये जो टॉपिक है, इसमें मेलिंग में खाली मेल मर्ज है, खाली स्टेप है और कुछ नहीं है। ये हम आपको नेट में भी सिखाएंगे, इंटरनेट पे जब आपको कराएंगे, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, कैसे डाटा अटैच करते हैं, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद आपको समझ में आया है, फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, यानी कोई किसी का क्वेश्चन जो पूछना चाहता है पूछिए, एक एक करके पूछ सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस करा दो, और मेलिंग का कराया था ना आपने, अभी वो करा दो एक बार। सही बात, अभी बताते हैं, अभी करवाते हैं। हमने वर्ड ओपन कर लिया दोबारा,
वर्ड ओपन होने के बाद आप देखिए पेज पे मैंने रेफरेंस में पे क्लिक किया। पहले कोई फोटो ले लें आप, फोटो लेने के बाद आप देखिए हमने इंस्टाग्राम में से कोई फोटो ले लिया है, पिक्चर ले ली कोई भी, इंसर्ट करें आप इसको, साइज छोटा कर दें इस फोटो का आप। छोटा करने के बाद मैंने कहा था लेबल पे जाएं आप, रेफरेंस में जाएं, रेफरेंस मेन्यू में कैप्शन पे जाएं, किसी भी लेबल का नाम ऐड करने के लिए, अदर पिक्चर का नाम ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप इस पे क्लिक कीजिए कैप्शन। जैसे आप कैप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी न्यू लेबल शो हो जाएगी। न्यू लेबल पे आप नाम डाल दीजिए, मैंने एबीसी नाम डाल दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ओके किया, आपका नाम आ चुका है एबीसी, ये लेबल का नाम है, आप ऐसे हेडिंग दे सकते हैं। अब मैंने पेज ब्रेक लगा दिया, कंट्रोल के साथ एंटर किया, पेज ब्रेक लग गया। अगला जो टॉपिक था क्रॉस रेफरेंस, किसी भी लेबल के साथ लिंक करने के लिए क्रॉस रेफरेंस का यूज किया जाता है, इसका हम हेडिंग के साथ भी लिंक कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, रेफरेंस टाइप में आप सेलेक्ट कीजिए वो नाम जिसके साथ आप लिंक करना चाहते हैं। हमने यहाँ वो सेलेक्ट कर लिया नाम, यानी कोई भी नाम था हमारा, अभी हमने क्या नाम डाला था, एबीसी। एबीसी सेलेक्ट करें, इंसर्ट कर दें, स्क्रीन पे एबीसी लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ आप क्लिक कर दें, ये आपकी उस लेवल को शो कर दिया जिसका नाम आपने दिया था। कंट्रोल कीजिए और क्लिक कर दीजिए तो आपको ये जो है लेबल आपकी शो हो जाएगी स्क्रीन पे, ये आपकी लेबल है एबीसी। तो ये था आपका क्रॉस रेफरेंस। एक गुड़िया ने पूछा है कि मेल मर्ज स्टेप दोबारा बता दें, तो खाली स्टेप स्टेप लिखने हैं आपको, इसका यूज हम आपको इंटरनेट पे ईमेल आईडी बनाना सिखाएंगे, उस टाइम पे आपको यूज सारी चीज सिखाएंगे, फाइल अटैच करना, ईमेल आईडी बनाना। आप खाली स्टेप लिख लें, सबसे पहला स्टेप था स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, लेबल हमने आपको करा दिया था, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, स्टेप बस खाली यही उतारने हैं आपको। उसके बाद यूज द करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स पे क्लिक करें, ब्राउजर जो है ये आपको बाद में कराएंगे, मैंने बताया आपको उसी टाइम लिंक के साथ साथ फाइल लिस्ट जो खुलेंगी इससे, तो आपको टाइप एन्यू लिस्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट करना है, यहाँ आप उस फाइलों की ईमेल आईडी डालते जाएं जिसके साथ आपको डाटा मर्ज करना है। मैंने यहाँ डाल दिया rakesh@123। ऐसे आप डाल दें, ओके कर दें। अगर और एंट्री करनी तो न्यू एंट्री, हटाने तो डिलीट एंट्री, ढूंढनी है तो फाइंड एंट्री, ओके करें। सेव करने से एड्रेस को, ये जो फाइलें सेव की हैं एबीसी नाम से, एमडीबी मैनेजमेंट डाटाबेस की फुल फॉर्म होती है, मैंने आप कोई भी किसी भी नाम से सेव कर दी, सेव या कोई और नाम डाल दीजिए आप, यहाँ एक के नाम डाल दिया, सेव। ऊपर फंक्शन आएगा मेल मर्ज रिसिपिएंट्स, हमने क्या आईडी डाली है वो आईडी दिखाएगा, ओके कीजिए। ओके करने के बाद राइट यूअर लेटर पे क्लिक कर दीजिए नीचे नीचे दोबारा, और ऊपर ये फंक्शन आए एड्रेस ब्लॉक, ये आपको यूज नहीं करने हैं, ऑनलाइन के लिए आगे काम आएंगे आपको वो सिखाएंगे आप। एड्रेस ब्लॉक ये फंक्शन यहाँ पे भी है, ये सभी टाइप इन योर लिस्ट, ये सभी फंक्शन है मेल एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग, इंसर्ट फील्ड। आप यहाँ जाएं एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करें, किसी का एक का एड्रेस सेलेक्ट कर लें, हम नेट पे आपको ईमेल आईडी डाल के दिखाएंगे, आईपी एड्रेस भी डलता है ऐसे, अलग होता है वो, आप डालिए, सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। जैसे ही एड्रेस ब्लॉक लिखा हुआ आ गया, आप यहाँ जाएं व्यू मर्ज डाटा पे आप क्लिक कर दें, रिजल्ट जो लिखा हुआ आ रहा है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऊपर मेन्यू बार पे वो जो आपकी ईमेल आईडी है वो शो हो जाएंगी। ऐसे आपकी लिंक इसमें शो नहीं हो रही, लेकिन अभी आपकी शो हो जाएगी। ये जो है आपका, हमने डाटा नहीं भरा, उसके अंदर डाटा भरते तो आपकी ईमेल आईडी का जो डाटा है वह यहाँ शो हो जाता। ये था आपका मेल मर्ज, खाली स्टेप स्टेप है, इसमें एनी और कोई ऑप्शन नहीं है।
या आपको हम नेट पे भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना काफी, पूछें कुछ और दोबारा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। अब आपको समझ में आ गया अथीन सेंटर से है, समझ में आ गया। अब 47 रोल नंबर समझ में आ गया जी सर, जिसने पूछा था क्वेश्चन उसको भी समझ में आ गया, उससे पूछो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।